हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कान्हा जी क्रिएशंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ये देखिए मैं आपको कान्हा जी के लिए प्यारा सा झबला नाइट सूट बनाना सिखाऊंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये वन पीस में है। ये हमारे कान्हा जी की अंडरवियर का भी काम करेगा और ये मैंने कॉटन से बनाया है फ्रेंड्स। तो ये गर्मियों में कान्हा जी को पहनने में बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल रहेगा। आप इसको रात को भी कान्हा जी को पहना कर सुला सकते हैं या आप दिन में भी इसको कान्हा जी को पहना सकते हैं। इसमें कान्हा जी को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और ये बनाने में बहुत ही ईजी है और आप किसी भी साइज़ में इसको बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको वीडियो में मेजरमेंट बताऊंगी कि आपको कैसे लेना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये झबला बनाने के लिए मैंने अपने कॉटन का जो कपड़ा है वो उसकी मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए, तो ये हमें फ्रेंड्स एक सिंगल पीस में ही कट करना है। इसको हम ऐसे डबल करेंगे। तो ये आपको ऐसे कटिंग करनी है फ्रेंड्स। आप ऐसे इसको किसी भी नंबर के कान्हा जी के लिए बना सकते हैं कि अपने कान्हा जी की नेक पर आप इंची टेप रखिएगा और जो उनका आगे वाला पैर होता है वहाँ तक आपको मेजरमेंट लेनी है कितना आ रहा है, तो उतना आपको कट करना है। और इसमें एक्स्ट्रा आपको कट नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये नीचे से मुड़ेगा नहीं, साइड से ही इसमें मुड़ेगा, तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा नहीं कट करना है। जितना आपका मेजरमेंट आता है आपको उतनी ही कटिंग करनी है। तो देखिए मैंने ये कट उसका फ्रंट जितना मेजरमेंट आती है उसकी डबल कटिंग करनी है, यानी कि आगे और पीछे। जैसे 2 आता है तो 4 इंच आपको कट करना, 2.5 आता है तो 5 इंच कट करना है। जैसे मेरा 2.5 आया था फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये 2.5 मैंने हल्का सा ऊपर से एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ा है कि एक बार बाद में हम क्या है, आप भी 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा छोड़िएगा कि एक बार जब हम नीचे की कटिंग कर लेंगे उसके बाद हम कान्हा जी को लगा कर देख ले कि अगर हमारा छोटा रहता है तो क्या है कि हम इसको फिर ऊपर से ऐड रहने देंगे, अदरवाइज हम इसको कट कर देंगे। इसलिए 1/2 इंच थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा कट किया है इसको। और इसकी चौड़ाई जो लेनी है आपको ये देखनी है कि आपके कान्हा जी की पूरी यहाँ से कितनी मेजरमेंट आती है ऐसे ऊपर से चेस्ट की, तो उसमें आपको 1-1 इंच ऐड कर देना। जैसे मेरे कान्हा जी की 4 इंच आ रही थी तो मैंने यहाँ पर 1 तो 4 का 1/2 करेंगे 2 इंच, तो 2 में मैंने 1 इंच ऐड कराया साइड की सिलाई के मार्जिन के लिए, तो 3 इंच, तो यानी कि मैंने ये इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच ली है मैंने, 3 इंच आगे से फ्रंट, तो 3 इंच पीछे से, तो टोटल 6 हो गई, क्योंकि साइड से भी हमारा फिटिंग में जाएगा इसलिए हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए जो नीचे से हमने इसको ऐसे फोल्ड किया हुआ है कपड़े को ऐसे इस तरीके से, अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से देखिए कॉर्नर से हम यहाँ से इसको 1 इंच छोड़कर, ये देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है फ्रेंड्स, और हम यहाँ पे 1 इंच के बाद हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इधर से ये देखिए हम लेंगे 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा 1/2 इंच के करीब और इसको हम ऐसे तिरछा कट कर देंगे। ये देखिए ऐसे हम इसको यहाँ से इस तरीके से तिरछा कट कर देंगे। तो ये देखिए कुछ ये हमारी इस तरीके से शेप आ गई है। और ऊपर की जो नेक की शेप है फ्रेंड्स वो मैं आपको बाद में काटना बताऊंगी, क्योंकि हमें एक बार ये नीचे से बनाकर और कान्हा जी को लगाकर देखना है। अगर ये बड़ा रहेगा तो हम ऊपर से एक्स्ट्रा कट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नीचे ये देखिए मैंने अपने मैचिंग के कपड़े की, जैसे इसमें मेरे फ्लावर्स रेड है तो मैंने रेड कलर की एक रेप की यानी कि तिरछी पट्टी मैंने कट कर ली है। अगर आप चाहें तो इसी कपड़े की भी कट पट्टी कट कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इसके जो ये नीचे का पोर्शन फ्रेंड्स आया है इस पर हम ये इस तरीके से लगाएंगे इस पट्टी को यहाँ पर ऐसे, इधर तक हम इसको पहले लगा देंगे, फिर जब ये यहाँ पे स्टिच हो जाएगा तो इसको हम ऐसे करके और बैक साइड में ले जाकर ऐसे फोल्ड करेंगे पीछे से इस तरीके से मोड़कर, और ऐसे पाइपिंग की तरह अपने दोनों हम इधर दोनों साइड लगा देंगे, स्टिच कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपने पाइपिंग लगा ली है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से हम ऐसे फोल्ड करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए, फिर मैंने अपने कान्हा जी को ये नीचे से लगाकर देखा, जैसे अंडरवियर पहनाते हैं फ्रेंड, नीचे से मैंने ये लगाकर देखा तो जो मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो हमारा बड़ा था, तो वो मैंने यहाँ से कट कर दिया है। तो इसका मतलब हमें जो हमारा आगे वाले नेक से लेके जो आगे वाला पैर है जितनी हमारी लेंथ आएगी हमें सिर्फ उतनी ही रखनी है, एक्स्ट्रा हमें नहीं रखनी है, तो वो मैंने कट कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से ऐसे 4 फोल्ड करेंगे और अब हम इसकी नेक और शोल्डर्स कट करेंगे। तो नेक ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें बिल्कुल जो बंद साइड है हमारी यहाँ से हम छोटी सी नेक कट करेंगे फ्रेंड्स ऐसे सर्कल में।
तो ये देखिए ये हमारी आ गई है नेक का पार्ट। और अभी इसमें जब ये पाइपिंग लगेगी तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप बड़े कान्हाजी की बना रहे हैं तो थोड़ी एक बड़ी कीजिएगा। अगर आप अपने कान्हाजी को देखिएगा फ्रेंड्स, आपके कान्हाजी छोटे बड़े जितने हो उसके अकॉर्डिंग आप ये नेक कट कर लीजिएगा, क्योंकि बीच का डिस्टेंस जितना हो आपके कान्हाजी की नेक यहाँ से जितनी हो, जैसे मेरे कान्हाजी की हाफ इंच है तो मैंने हाफ इंच से कम कट किया है, क्योंकि यहाँ से फिर जब ये थोड़ा सा यहाँ पे पाइपिंग लग के स्टिचिंग होगी तो ये बिल्कुल फिटिंग का हो जाएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ये नेक कट करनी है। पर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से देखिए बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ से कि दोनों साइड से हमारे स्टिचिंग हो जाए, इतना हम हाफ इंच से भी कम यहाँ से छोड़ेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हल्के से शोल्डर कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारे ऐसे यहाँ पर ये शोल्डर हमारे आ गए हैं। और अब हमें क्या करना है, सेम जैसे हमने यहाँ पर पाइपिंग लगाई थी फ्रेंड्स, पहले हम क्या करेंगे यहाँ नेक पर पाइपिंग लगाएंगे, सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर लगाई है ऐसे ये हमने अपनी तिरछी पट्टी कट कर ली है, यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ सर्कल में बिल्कुल ऐसे ही पाइपिंग दोनों साइड लगा लेंगे। और उसके बाद फिर हम शोल्डर पर लगाएंगे, तो शोल्डर पर लगाने के लिए हम क्या, चलिए पहले नेक पर लगाते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ दोनों अपने गले पर पाइपिंग लगा ली, और उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, पाइपिंग लगाने के बाद ये देखिए इसको हमें इक्वल ऐसे रखना है, और यहाँ हमने कान्हा जी की फिटिंग के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर फिटिंग से हल्का सा लूज़ रखिएगा फ्रेंड्स, आधा इंच, ताकि उनको पहनने में दिक्कत ना हो। तो ये देखिए यहाँ से मैंने यहाँ तक शोल्डर्स तक अपने यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। और यहाँ पर ये देखिए हमने क्योंकि बिल्कुल छोटे शोल्डर छोड़े थे तो यहाँ पर भी हमारे बिल्कुल थोड़ी सी जगह बची है, तो हम इसको कर लेंगे सीधा। तो ये देखिए ये हमारी कुछ शेप इस तरीके से आ गई है। और अब हमें क्या करनी है, फिर से देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने एक पट्टी कट कर ली है, एक नहीं फ्रेंड्स हमें दो पट्टी कट करनी है दोनों साइड के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे शोल्डर, ये देखिए यहाँ पर ये जो शोल्डर आए हैं इस पर हम इसको पहले आप पट्टी को ऐसे डबल कीजिएगा ऐसे, और यहाँ पर या तो छोटा सा कट लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, या फिर निशान लगा लीजिएगा मिडल का निशान, ये कि ये हमारा यहाँ पर मिडल है इस तरीके से, तो यानी कि मिडल हमारा जो है वो यहाँ आना चाहिए। अगर नहीं भी आएगा तो बाद में, खैर ये पट्टी जो है फ्रेंड्स ये बाद में आप ऊपर से कट करके भी इक्वल कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ रखेंगे ऐसे, फ्रंट साइड रखेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर ऐसे रखेंगे हम इसको, और ऐसे जैसे हमने नीचे पाइपिंग लगाई थी सेम ऐसे ही हम पाइपिंग लगाएंगे। पहले यहाँ तक इसको सिल लेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करके फिर पाइपिंग की तरह अंदर फोल्ड करके ऐसे पाइपिंग बना देंगे। फिर जो एक खुला कपड़ा बचेगा इसको भी हम, ये देखिए जब ये ऐसे मुड़ा हुआ बचेगा फ्रेंड, तो इसको हम ऐसे मोड़ कर और पतली सी डोरी की तरह हम यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे, तो ये हमारी दोनों साइड डोरी आ जाएंगी। तो ऐसे ही हम ये दोनों साइड कर लेंगे, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने लगा ली हैं अपनी ये डोरियाँ, तो ये देखिए ये हमारे कान्हा जी के कंधे पे बांधने के लिए, और इसको नीचे हम पहले अंडरवियर की तरह पहनाएंगे ऊपर ले जाकर, फिर हम इसको ये कंधों से हम नीचे की साइड करके ये ऊपर हमारा नेक आ जाएगा, और ये हम ऊपर नेक पर अपने कान्हा जी के शोल्डर्स पर टक कर देंगे। तो ये हमारा देखिए कॉटन का बिल्कुल सिंपल हमारे कान्हा जी के पहनने के लिए, नाइट सूट कहें झबला कहें, ये हमारा रेडी हो गया, और पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा हमारे कान्हा जी को। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने कान्हा जी को पहना भी दिया है, और ये देखिए बिल्कुल फिट आया है, ये देखिए आप, ये इनके यहाँ से ये पैर नज़र आ रहा है, और यहाँ से भी ये देखिए, और ये नाइट सूट हमारा कान्हा जी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा देखिए रात में, कॉटन का, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखिए फ्रेंड्स कान्हा जी को पहनने के बाद। तो आप इसको दिन में भी पहना सकते हैं, गर्मी जैसे बहुत ज़्यादा हो रही है, कान्हा जी को पहनाकर इसको बिठा सकते हैं, और रात को भी आप इसको एज अ नाइट सूट पहनाकर कान्हा जी को सुला सकते हैं। और ये हमारे वन पीस में ही अंडरवियर भी हो गई है, और हमारा पूरा नाइट सूट बनकर तैयार हो गया है हमारा झबला। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।